नमस्कार दोस्तों, मैं आज वाराणसी के एक महत्वपूर्ण स्थान पर चल रहे हैं जिसका नाम है संकट मोचन हनुमान मंदिर का बाहर से दर्शन कराएंगे, क्योंकि वहां मोबाइल कैमरा वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, संकट मोचन हनुमान मंदिर हिंदू के पवित्र मंदिरों में से एक है। यह वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नज़दीक दुर्गा मंदिर और नए विश्वनाथ मंदिर के रास्ते में स्थित है। संकट मोचन का अर्थ है परेशानियों अथवा दुखों को हरने वाला। इस मंदिर की रचना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक श्री मदन मोहन मालवीय जी द्वारा 1900 ईस्वी में हुई थी। यह हनुमान जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान एक विशेष शोभा यात्रा निकाली जाती है जो दुर्गा कुंड से सटे ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर से लेकर संकट मोचन तक चलाई जाती है। भगवान हनुमान को प्रसाद के रूप में शुद्ध घी के बेसन के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। हनुमान जी के गले में गेंदा फूल एवं तुलसी की माला सुशोभित रहती है। इस मंदिर की एक अद्भुत विशेषता यह है कि भगवान हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना इस प्रकार हुई है कि वह भगवान राम की ओर ही देख रहे हैं एवं श्री रामचंद्र जी के ठीक सीध में संकट मोचन महाराज का विग्रह है जिसकी वे निस्वार्थ श्रद्धा से पूजा किया करते थे। भगवान हनुमान की मूर्ति की विशेषता यह भी है कि मूर्ति मिट्टी की बनी है। संकट मोचन महाराज की मूर्ति के हृदय के ठीक सीधे में श्री रामलला की मूर्ति विद्यमान है। ऐसा प्रतीत होता है संकट मोचन महाराज के हृदय में श्री राम सीता जी विराजमान हैं। मंदिर के प्रांगण में एक अति प्राचीन कुआं जो संत तुलसीदास जी के समय का कहा जाता है, श्रद्धालुओं इस कूप का शीतल जल ग्रहण करते हैं। यहाँ विस्तृत क्षेत्र में तुलसी के पौधों को लगाया गया है और साथ ही आसपास पुराने रास्ते